हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने चैप्टर 11 वाटर लेकर आई हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वाटर इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। वी गेट वाटर फ्रॉम रेन। रेन वाटर फील्स ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। वाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है लिविंग बींग्स के लिए। और हमें पानी कहाँ से मिलता है? रेन से मिलता है। रेन वाटर के जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं? जब पानी बारिश होती है तो कहाँ कहाँ पे इकट्ठा होता है? ओशियंस, रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स में। वाटर इज नीडेड फॉर मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कई चीज़ों में, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ वाटर। वी यूज वाटर इन मैनी वेज। फर्स्ट आता है ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग, स्विमिंग, वाटरिंग प्लांट्स, पुटिंग ऑफ फायर और क्लीनिंग। तो ये सभी क्या है, इसके यूजेस होते हैं जहाँ जहाँ पर हम पानी को यूज करते हैं। यहाँ पे कॉर्नर में एक फैक्टोपीडिया दिया हुआ है। इंडिया रिसीव्स द सेकेंड हाईएस्ट रेनफॉल बट स्टिल देयर इज अ शॉर्टेस्ट ऑफ वाटर। इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब सेकेंड नंबर पे हाईएस्ट रेनफॉल होता है, बट फिर भी पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पानी को वेस्ट भी किया जाता है। जैसे कपड़े धोए जा रहे हैं तो उसमें पानी बह रहा है, कोई नहा रहा है तो उसका टैप खुला हुआ छोड़ दिया। तो कुछ रीज़न ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से पानी वेस्ट भी होता है। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ वाटर, कि पानी आता कहाँ से है। एट होम और इन द स्कूल वी टर्न ऑन टैप्स टू गेट वाटर। घर में और स्कूल में हम टैप खोलते हैं और हमें पानी मिल जाता है। बट हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर डस वाटर एक्चुअली कम। क्या आपको पता है कि पानी एक्चुअल में आता कहाँ से है? द अपर पार्ट्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। जो पहाड़ों का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो स्नो से कवर रहता है। ड्यूरिंग समर द स्नो ऑन द माउंटेन मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू वाटर। और गर्मियों में जो स्नो होती है वो पिघल जाती है और वो पानी में चेंज हो जाती है। दिस वाटर कम्स डाउन एंड फ्लोज इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। जैसे यहाँ पे पिक्चर में शो हो रहा है कि माउंटेन से पिघल कर यहाँ पर पानी नीचे बह गया है, तो इस तरीके से धीरे धीरे फ्लो होकर वो पानी नीचे चला जाता है। सम वाटर ऑल्सो गोज इन टू द सॉइल, और कुछ पानी जो है वो मिट्टी में भी जाता है। दिस वाटर गेट्स कलेक्टेड एज अंडरग्राउंड वाटर, और उस पानी को हम क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। वी डिग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स टू गेट दिस वाटर। और हम क्या करते हैं उसमें, वहाँ जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे उस मिट्टी को खोदते हैं और वहाँ पे कुआं बन जाता है, जैसे ट्यूबवेल्स बनाई जाती हैं जहाँ से हमें पानी मिल जाता है। वी ऑल्सो यूज हैंडपम्प्स टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। व्हेन इट रेन्स वाटर फिल्स अप लेक्स, पॉन्ड, सीज, रिवर्स इटीसी। जो हैंडपम्प होते हैं उससे हमें अंडरग्राउंड वाटर मिलता है, और जब बारिश होती है वो पानी फिर से भर जाता है कहाँ पर? लेक्स में, तालाबों में, झील, तालाब और समुद्र में और नदियों में। तो इस तरीके से पानी जो है हमारा जगह जगह पर इकट्ठा हो जाता है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है, हैंडपम्प है, यहाँ पे वेल हो गया, कुआं। नेक्स्ट आता है सेविंग वाटर, कि जब पानी हम यूज़ कर रहे हैं उसके सोर्सेज भी हमें पता चल गए तो पानी को सेव कैसे किया जा सकता है वो भी हमें पता होना चाहिए। When it rains, buckets, drums and tankers can be filled with rain water. तो हमें पानी जो है सेव करने के लिए क्या करना चाहिए? जब बारिश होती है तो ये जो इस तरह से बने हुए हैं, जैसे ड्रम हो गया, पॉट हो गया, कंटेनर, बॉटल, टैंक, इन सब में हमें पानी को स्टोर करना चाहिए। दिस वाटर कैन बी यूज लेटर फॉर बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स। और ये पानी जो होता है हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं बाथिंग में, वॉशिंग में, क्लीनिंग, वाटरिंग और प्लांट्स में। तो इस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम वर्कशीट करते हैं। आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। वाटर इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल बिल्डिंग्स और लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग और नथिंग ड्रिंकिंग। टू गेट अंडरग्राउंड वाटर वी डिग
क्या खोदना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है उसके लिए? डिग विक्स वेल्स. नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स. वी कैन नॉट डैश विदाउट वाटर. तो क्या आएगा इसमें? वी कैन नॉट लिव. वी गेट वाटर फ्रॉम रेन. टू गेट डैश वाटर वी डिग वेल. टू गेट अंडरग्राउंड वाटर. डैश फिल्स ओशियन रिवर्स लेक्स. रेन. सम वाटर ऑल्सो गोज इन टू द, कहाँ पे चला जाता है पानी? सॉइल में. तो इस तरीके से आप फिलअप्स करा सकते हैं. नेक्स्ट आता है मैचिंग. यहाँ पे मैंने यूजेस लिख दिए हैं और यहाँ पे कहाँ पे यूज होते हैं वो लिखे हैं, तो मैच करते हैं. वॉशिंग. वॉशिंग के लिए क्या आएगा? वॉशिंग क्लोथ्स. कुकिंग फूड. क्लीनिंग हाउस. वाटरिंग प्लांट्स. ड्रिंकिंग वाटर. तो इस तरीके से मैचिंग कर सकते हैं. उसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ वाटर. बच्चों को सोर्सेज ऑफ वाटर लर्न कराने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं. इसमें हमें ये कंप्लीट करना होगा वर्ड, और बच्चों को इस तरह से स्पेलिंग भी लर्न हो जाती है. तो जैसे यहाँ पे हमारा ये लिखा हुआ है, हम क्या लिखेंगे इसमें? आई. ये बन गया रिवर. ये भी मैंने बताया था स्ट्रीम. उसके बाद ये लेक, वेल और ये ट्यूब वेल. तो इस तरीके से सोर्सेज लर्न करा सकते हैं. उसके बाद आता है यूजेज ऑफ वाटर. तो मैंने यहाँ पे हिंट दिया हुआ है फिल आई. इसमें समय हमें क्या फिल करना होगा? आई फिल करना होगा. ड्रिंकिंग. ये बन गया ड्रिंकिंग. बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग और क्लीनिंग. तो इस तरीके से आप बच्चों को यूजेज ऑफ वाटर भी लर्न करा सकते हैं. नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर. पानी कहाँ से मिलता है हमें? रेन. लिस्ट एनी टू यूजेस ऑफ वाटर. अभी बताया था ड्रिंकिंग, कुकिंग, बहुत सारे होते हैं, बट अभी टू पूछे हैं इसलिए हमने मैंने दो ही लिखे हैं. व्हाट आर कवर्ड विद स्नो. स्नो से क्या कवर रहते थे? माउंटेन्स. व्हाट डू वी यूज टू पुट ऑफ फायर. हमें आग बुझाने के लिए क्या यूज करते हैं? वाटर. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर्स करा सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में.